हार दो। दिखा 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 बिट्टू सत्यानाश हो गया हेलो एवरीवन स्वागत है मेरे चैनल में मैं हूँ कशिला मींस और अभी देख सकते हैं ये ना मैंने कल बाबू के लिए एक नया गाड़ी खरीद के लाया था और वो आते ही ऐसे मतलब उसके चक्का में जो चिपकाया हुआ होता है ना वो जैसे ही गाड़ी उसने ज़ोर से चलाया ना तो वो सारा निकल गया तो हम लोग की बहुत जोर की ज़्यादा जो हंसी आई थी और ये खिलौना ज़्यादा महंगा का नहीं है वन ट्वेंटी का था डेढ़ सौ रुपये बोल रहा था पर मैंने एक सौ बीस रुपये में ले आया क्योंकि इसे ना टोचर गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो वही हम लोग को बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी क्योंकि अचानक से उसके सारे निकल गए थे वो बस ऐसे हल्के से चिपके हुए रहते हैं तो ऐसे निकल गए थे और यहाँ देखिए यह मेरा गार्डन का है और देख सकते हैं ये भिंडी के पौधे हैं तो अब इसमें से फूल निकल रहे हैं और भिंडी भी निकलना स्टार्ट हो गया है तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है अभी पर ठीक साइज़ का है और भिंडी निकल निकल जाएंगे अभी तो एक एक बार भी मैंने नहीं तोड़ा है अभी निकलने स्टार्ट ही हुए हैं और यहाँ देख सकते हैं मैं अभी अपने आ रही छोटा सा बारी तो आज मैं आप लोग के साथ लोंग बीन्स मीन्स बोधी जो कि हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोधी बोलते हैं कई जगह बरबट्टी बोला जाता है कहीं बूढ़ा बोला जाता है बहुत तरह से नाम है तो यहाँ देख सकते हैं कितने अच्छे हुए हैं ये और इतनी महंगाई में घर से सब्जी निकलना ना किसी वरदान से कम नहीं है मेरे मा मेरा मानना है ऐसे क्योंकि इतना ज़्यादा महंगी हो गई है ना सब्जियाँ बिल्कुल भी खरीद के खाने का मन नहीं करता है और इस टाइम जब ये घर की सब्जियां निकलती हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है चाहे भले ही थोड़ी सी क्यों ना हो और कैसी भी क्यों ना हो लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है देख के और मेहनत जब फल देता है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ देख सकते हैं मेरे हस्बैंड ने इस तरह से सारी लता को ना इस तरह से बना दिया था ऊपर चढ़ा दिया था रस्सी के सहारे से और मचान टाइप से थोड़ा सा बना दिए थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और पता नहीं मेरे हस्बैंड खा पाएंगे कि नहीं वो कब आएंगे और जब तक आएंगे तब तक ये बोदी जो है निकलता है या नहीं तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ झारखंडी स्टाइल में कैसे बनता है आप लोग भी ज़रूर देखिएगा पूरा ब्लॉग और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट जरूर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा साथ ही आइकन का जो बटन है उस पर और भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है आप लोग को जल्दी से मिल जाए तो यहाँ देखिए मुझे ना तोड़ने टाइम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था बहुत खुशी हो रहा था कि अरे वाह चलो इतना अच्छा से हुआ है तो अच्छा ही लगेगा बनाने में और अच्छा भी बना ही था काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा था आप लोग देख सकते हैं दो मुठ्ठी भर भर के हुए थे काफ़ी अच्छा लग रहा था हम लोग को देख के और घर की चीज़ें ना कुछ भी हो कैसे भी निकलती है ना खाने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और यहाँ देख सकते हैं मैं अभी आगे हूँ पोधी बनाने के लिए तो मैं सारा तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि सारे पोदी बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और कोई भी चीज़ आप कम ही बनाओ तो और टेस्टी बनता है और ज़्यादा बनाने से कोई भी चीज़ उतना खास अच्छा नहीं बनता है और हम लोग के लिए ज़्यादा भी हो जाता इतना काफ़ी है अभी दोपहर के लिए हम लोग के लिए तो यहाँ देख सकते हैं मैं बोदी को कभी भी बैठी या चाकू से नहीं काटती हूँ इस तरह से हाथ से ही बनाती हूँ हाथ से ही तोड़ती हूँ और उसके रेशा वगैरह निकालती हूँ तो मैं उसी तरह से सिंपल तरीके से बनाती हूँ और इसमें हम लोग चाकू इस्तेमाल नहीं करते हैं और बोदी के साथ में यहाँ आलू इस्तेमाल करूँगी आलू डालूँगी तो यहाँ मैं वही अभी बना ले रही हूँ सबसे पहले बोदी को तोड़ ले रही हूँ उसके बाद फिर आलू छील के उसको धो धा के काट दूँगी तो यहाँ देखिए मैंने बोदी बना लिया है और आलू भी छील लिया है तो यहाँ पे बस आलू को धो के मैंने यहाँ काट दिया।, दिया और सारी सब्जियों को मैंने धो दिया और यहाँ देखिए मैंने यहाँ कुछ तैयारियाँ कर रखी हैं मैंने प्याज टमाटर और मिर्च चॉप करके रखी हुई है और यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई भी चढ़ा लिया है अगर मेरी फ्रेंड्स ये रेसिपी आप लोग को पसंद आती है ना तो जरूर कमेंट करके बतलाइएगा और इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाने का कोशिश कीजिएगा आई होप आप लोग को पसंद आएगी तो यहाँ सबसे पहले मैंने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल उसके बाद मैंने डाल दिया है पचफोरन उसके बाद देखिए मैंने यहाँ डाल दिया है दो छोटे तेज पत्ता और फिर चॉप किया हुआ प्याज और हरी मिर्च हरी मिर्च मैंने बीच से काटा है क्योंकि मुझे ये तीखा चटपटा पोदी आलू की सब्जी बनानी है टेस्टी रसेदार इसी लिए मुझे थोड़ा सा तीखा चाहिए और हम लोग आज इसे चावल के साथ खाएंगे लंच के लिए मैं बना रही हूँ मॉर्निंग में तो बहुत सिंपल सा था सब्ज़ी हम लोग का और अभी देखिए तो मुझे मिर्च और प्याज हल्का ब्राउन हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे मीडियम साइज का एक टमाटर और बस इसे थोड़ा देर दो मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है और ताकि इसका जो खट्टापन है वो थोड़ा सा दूर हो जाए और पक जाए और अगर टमाटर अच्छे से नहीं पकेंगे ना और उसमें ज़्यादा खट्टापन रहेगा तो फिर हमारा जो आलू है ना वो भी उतने अच्छे से नहीं गलेंगे और यहाँ देखिए टमाटर अच्छे से पक जाने के बाद मैंने यहाँ डाल दिया है बोदी और आलू और ये देख सकते हैं मेरा आलू ना थोड़ा थोड़ा रेड नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने बताया था ना इसमें थोड़ा सा चिग्गी जो आ, आ जा रहा है इसके जड़ें निकल जा रही हैं इस वजह से ना मेरे आलू थोड़े थोड़े रेड होते जा रहे हैं तो बस अभी देखिए अभी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और फ्रेंड आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा कि आप लोग को ये बोदी आलू की सब्जी मेरी कैसी लगेगी और फ्रेंड्स अभी देखिए इसे दो मिनट के लिए ढक के छोड़ देना है और इसे भूंजने के लिए हल्का सा छोड़ देना है तो उसके बाद यहाँ जितने भी मसाले ऐड करेंगे ना वो मैं अभी निकाल ले रही हूँ तो यहाँ मैंने लिया है जीरा धनिया आ, काली मिर्च और लहसुन मिर्च मैं यहाँ नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने मिर्च ऑलरेडी डाल दिया है और मैं एक्चुअली ना सिलपट्टे में पीसने वाले थे लेकिन हम लोग का सिलपट्टा जो है ना वो बाहर रखाता है और यहाँ देख सकते हैं इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना सुबह में तो अच्छी खासी धूप हुई थी और हम लोगों ने कपड़ा वगैरह भी धो दिया था बट देख सकते हैं कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है आप लोगों को पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और इस वजह से फिर मैंने ये सोचा कि चलो सिलपट्टा में ना सही तो फिर मिक्सी में ही पीस देते हैं तो यहाँ देखिए मैं मिक्सी में यहाँ पीस दे रही हूँ और आप इसके साथ ना लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं लाल मिर्च से इसका कलर काफ़ी ज़्यादा सुंदर आता है और यहाँ देखिए हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया है तो मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी और बस यहाँ मेरा ये जो मसाला है वो रेडी हो गया है तो यहाँ देखिए करीब पाँच मिनट मैंने छोड़ दिया था तो यहाँ देखिए इसका पानी भी निकल रहा है और ये पूरा अच्छे से भून चुका है हल्का हल्का ये पक भी गया था आलू और बोदी भी तो थोड़ा सा ऐसे बिना मसाले के भूनने से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है तो यहाँ भी हम मसाला ऐड कर दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है यहाँ पे मैंने करीब दो तीन मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया था और इसके देख सकते हैं मसाले जो हैं काफ़ी अच्छे तरीके से भून चुके थे तो बस यहाँ इसे अच्छे से तला, चला लेना है और आपको जितना पानी चाहिए जितना झोर बनाना है मतलब तरी वाला बनाना है तो तरी वाला और या या तो फिर आप सूखा भी रख सकते हैं तो यह मेरा मसाला अच्छी तरह से भून चुका था तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी बांस करेल बांस के अचार जिसको हम लोग सन्ना भी बोलते हैं इसको डालने से ना बूदी आलू की जो सब्ज़ी का टेस्ट है ना वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है हल्का सा खट्टापन आ जाता है आप लोग जरूर इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपके पास कच्चे करेल है ना तो वो भी आप डाल सकते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है तो यहाँ पे मैंने अपना एक झारखंडी टच दिया है अपना बोदी आलू के सब्जी में बांस करेल के अचार को डाल के क्योंकि बाँस करेल जो है ना अधिकांश झारखंड में मिलते हैं और झारखंड से सटे राज्यों में जैसे बंगाल हो गया उड़ीसा हो गया छत्तीसगढ़ हो गया इनमें भी पाए जाते हैं पर जो झारखंड से जो सटा हुआ जिला है या राज्य होगा हो ना उसमें उस ज़्यादातर पाए जाते होंगे और वहाँ के लोग ज़्यादातर खाते होंगे अदरवाइज बहुत कम मिलते हैं बाहर जगह में अगर मिलते भी हैं तो बहुत कम कोई खाते होंगे और यहाँ देख सकते हैं करेल का अचार डालने से ना बोदी आलू की सब्जी का जो टेस्ट है ना वो काफ़ी अच्छा आया था और फ्रेंड्स हाय आई होप आप लोग को ये मेरी जो रेसिपी है वो पसंद आई होगी तो चूँकि हम लोग इसको चावल के साथ खाने वाले थे इसी के लिए मैंने थोड़ा सा उसमें तरी वाला बनाया है मतलब झोर वाला बनाया है तो यहाँ देखिए उसके बाद मैं यहाँ बादाम की चटनी बना रही हूँ तो बहुत ही सिंपल है मेरी बादाम की चटनी बादाम को मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन मिर्चा टमाटर और नमक और बस इसे मैं ग्राइंड कर दूँगी इस तरह से बादाम की नॉर्मल चटनी भी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे लंच वग़ैरह में खाने में आप तो चाहे डिनर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक दो दिन के लिए तो इसको हम लोग फ्रिज में रख के स्टोर कर ही सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था और यहाँ देखिए हम लोग का जो लंच है वो बिल्कुल रेडी है मेरे किचन गार्डन की बूदी आलू बिथ करेल का अचार और चावल है बादाम की चटनी है और पापड़ है जो कि मैंने गैस पे ही सेक लिया था हम लोग को फ्राई किया वाला पापड़ उतने ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं तो बस यही रहा हम लोग का आज का सिंपल सा लंच और कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो यहाँ देख सकते हैं बाबू को तो हम लोगों ने पहले ही खिला दिया था उसके बाद अभी हम लोग तीनों यहाँ लंच कर ले रहे हैं बहुत सिंपल सा लंच था और काफ़ी ज़्यादा लेकिन टेस्टी लगा था बोदी आलू की सब्जी तो फ्रेंड्स आज का मेरा जो ब्लॉग है वो यहीं तक था आई होप आप लोग को पसंद आया होगा और पसंद आती है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो